एफ एन फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के बारे में आप पढ़े कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक सेकेंड में कितनी बार मूव करता है उसी को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप लिखेंगे भी एन स्क्वायर बाई 2πRn, 2πRn यानी ये फ्रीक्वेंसी और ये भी है वेलोसिटी। vn स्क्वायर मतलब हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ मीटर, मीटर से कट जाएगा मीटर, तो पर सेकेंड इसका यूनिट हो जाएगा। यूनिट एक बार कंसीडर कर दें तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया वेलोसिटी, 2π तो कांस्टेंट है और ये हो गया मीटर, है ना। तो यहाँ पे मीटर अगर कैंसिल, यहाँ वी एन स्क्वायर नहीं होगा, वी एन होगा, कैलकुलेशन में वी एन है, तो यहाँ पे मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल कर दें तो क्या होगा, 1 बाई सेकेंड, सेकेंड इनवर्स, यहाँ स्क्वायर नहीं लिखिएगा। एफ एन इज इक्वल टू वी एन बाई 2πRn। अब देखिए एक फॉर्मूला आप लिखे थे वी एन का, चूंकि वी एन इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर बाई 2nh, लास्ट क्लास में इसको आप कैलकुलेट किए हैं, देखिए लास्ट में कैलकुलेटेड हुआ वी एन वेलोसिटी कैलकुलेशन में जेड ई स्क्वायर बाई 2nh, है ना। और आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई जेड ई स्क्वायर पाई एन, ये आर एन लिखे होंगे, ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रख देना है। तो एफ एन इज इक्वल टू वी एन के जगह पे जेड ई स्क्वायर बाई 2nh, है ना, इंटू 2π, और आर एन के जगह पे एन स्क्वायर एच स्क्वायर, जेड ई स्क्वायर पाई एम ऊपर चला जाएगा, जेड ई स्क्वायर पाई एम ये ऊपर चला गया, आर एन के जगह पे रख दिए, और बी एन के प्लेस पे रख दिए जेड ई स्क्वायर 2nh, तो जेड ई स्क्वायर 2nh। अब कुछ कटने वाला टर्म हो तो काटिए, जैसे यहाँ से पाई कट रहा है तो काटिए, बाकी जो टर्म है उसको आप मल्टीप्लाई करें, तो जेड स्क्वायर ई 4 एम, जेड स्क्वायर ई 4 एम बाई 2 इंटू 2, तो 4 एन, एन स्क्वायर तो एन क्यूब, एच एच स्क्वायर तो एच क्यू, है ना, तो 4 हो गया, एन क्यू हो गया और एच क्यू हो गया, ऊपर हो गया जेड स्क्वायर ई 4 एन। अब देखें यहाँ पे इसमें भी कांस्टेंट टर्म है ई 4 एन 4 एच क्यू, जेड और एन यहाँ वेरिएबल है, तो एफ एन प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन क्यू। इसको भी आप दो टर्म में लिख सकते हैं, एक एफ एन प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर और दूसरा एफ एन प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन क्यू, यानी ऑर्बिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एकदम वेलोसिटी का रिलेशन जैसे था उसी तरह रिलेशन यहाँ भी है। इसका पेरियोडिक फंक्शन देखिए, तो पेरियोडिक फंक्शन इसका कहता है, पेरियोडिक फंक्शन देखें इसका, ये हो गया लेफ्ट टू राइट मतलब पीरियड, और ये टॉप टू
बॉटम यानी ग्रो, तो पीरियड में क्या होगा, ऑर्बिट फिक्स यानी एन का वैल्यू कांस्टेंट, बदलेगा क्या, जेड, यानी ये फॉर्मूला यहाँ वैलिड होगा, एफ एन प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, यानी एटॉमिक नंबर अगर बढ़ा लेफ्ट टू राइट चलने पर बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम जब आएंगे तो एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन एक इलेक्ट्रॉन के लिए कंसीडर होगा, और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यू, यानी ऑर्बिट बढ़ने पर यानी साइज बढ़ने पर, एटम का साइज बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है ऑर्बिट में, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होते जाएगा इलेक्ट्रॉन उसकी फ्रीक्वेंसी कम, जैसे वेलोसिटी कम उसी तरह फ्रीक्वेंसी भी कम। अब देखिए यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को यहाँ से हटाते हैं तो इसके बदले जो एक कांस्टेंट वैल्यू आप रखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए वो आप लिखेंगे एफ एन इज इक्वल टू 6.7 इंटू 10^15 कांस्टेंट वैल्यू है, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर आप यहाँ लिखेंगे इंटू जेड स्क्वायर बाई एन क्यू, और यूनिट अभी बताए थे पर सेकेंड, तो इसका यूनिट क्या हो जाए पर सेकेंड या हर्ज कह सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला हो गया न्यूमेरिकल बनाने के लिए। तो तीन फार्मूला अभी तक हम लोग देखें, रेडियस का, वेलोसिटी का, फ्रीक्वेंसी का। अब देखते हैं हम लोग एनर्जी कैलकुलेशन, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी कैलकुलेशन। किसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑर्बिट टू ऑर्बिट, हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को देखेंगे हम लोग एनर्जी कैलकुलेशन। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, इसलिए हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो डेफिनेट है, अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग एनर्जी है और वो डेफिनेट एनर्जी है, इसलिए उसको एनर्जी लेवल कहते हैं, एनर्जी लेवल फर्स्ट सेकेंड ऑर्बिट को इसलिए बोला गया। यानी ई एन ये कैलकुलेट करना है, nth ऑर्बिट की एनर्जी ई एन ये कैलकुलेट करना है। यहाँ देखें हम लोग nth ऑर्बिट की एनर्जी जब कैलकुलेट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी इस दोनों का सम है टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, यानी किसी भी सिस्टम का एटम क्या एक सिस्टम है, तो सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक और प्लस पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी हम लोग ऑर्बिट में काउंट करेंगे nth ऑर्बिट में, तो ई एन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बराबर आप लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी ये लिखते हैं आप जेड स्क्वायर बाई आर, जेड स्क्वायर बाई आर बराबर लिखते हैं आप यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाई आर, यहाँ जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिखते हैं ना, ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो लेते हैं हम लोग ये एम वी स्क्वायर, अगर आर कट गया यहाँ से तो एम वी स्क्वायर के बराबर, तो जेड और के यहाँ कांस्टेंट भी लेते हैं तो जेड ई स्क्वायर बाई आर इंटू के इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, अगर यहाँ हाफ से गुणा कर दें इधर भी हाफ से गुणा कर दें तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग लेते हैं वो लेते हैं क्या, तो यहाँ देखें हम लोग इसको कैलकुलेट करें, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बोले
या फिर हम इधर भी बता दे रहे हैं, पहले आप यहाँ देखिए, इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी यानी फोर्स प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई, क्या सेंस है इसका? सेंस यहाँ पर यह है कि जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल इस इलेक्ट्रॉन को ये फील्ड अपनी ओर खींच कर रखता है, यहाँ एक फोर्स काम करता है, और ये जो फोर्स काम करता है किस डिस्टेंस पर काम करता है, आर डिस्टेंस पर काम करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी का मेजरमेंट हम करते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी भी मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन के पास, जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ खींच कर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर फोर्स निकोलियस कब लगा सकता है, इलेक्ट्रॉन पर निकोलियस फोर्स कब लगा सकता है, जब इसका एक पर्टिकुलर पोजिशन डिफाइंड होगा। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स पॉइंट पर ऑर्बिट पे कहीं भी नहीं है, वो तो रिवॉल्व हो रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसका पोजीशन कहीं फिक्स है नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि न्यूक्लियस इस पर फोर्स लगा रहा है और इसको अपनी ओर खींच कर रखा है। इसका मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी है, वो मेजर किया जा रहा है, यानी इसका एक पर्टिकुलर प्लेस जिस पर कि ये न्यूक्लियस फोर्स लगा रहा है, इसका एक पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर कि न्यूक्लियस फोर्स लगाकर इसको अपनी ओर खींच रहा है, मतलब साइलेंटली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी काउंट हो रहा है, साइलेंटली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहा है लेकिन यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का भी मेजरमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन पे। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये फोर्स न्यूक्लियस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ही अप्लाई कर सकता है, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर पॉइंट पर है नहीं, लेकिन तो अगर नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी तो मेजर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का मेजरमेंट भी है क्योंकि फोर्स पर्टिकुलर पॉइंट पर ही लग सकता है, और अगर फोर्स इस पर नहीं लगाया न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन फिर इसके तरफ अट्रैक्ट क्यों है? इसीलिए साइलेंटली यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी काम कर रहा है, लेकिन बहुत इंस्टेंट, वो इतना इंस्टेंट टाइम के लिए है कि वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक के तरह यहाँ पे नहीं दिख रहा है या फील नहीं हो रहा है। तो मतलब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो काउंटर है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये समझ गए हम क्या कहें, फिर एक बार हम आपको रिमाइंड कर दें कि न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, न्यूक्लियस इस पर फोर्स लगा रहा है, और जब फोर्स लगा रहा है तो फोर्स उसी पॉइंट पर लगाया जा सकता है जहाँ बॉडी प्लेस्ड हो, डिफाइंड हो उसका प्लेस बॉडी का। तो बॉडी कौन है? इलेक्ट्रॉन, जिस पर कौन फोर्स लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। जबकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो घूमता है न्यूक्लियस के अराउंड, तो इसका तो पोजीशन डिफाइंड है नहीं, तो फिर अगर पोजीशन डिफाइंड नहीं है तो न्यूक्लियस क्यों इस पर फोर्स लगा रहा है, सवाल ये उठता है। इसका मतलब यहाँ कि न्यूक्लियस अगर इस पर फोर्स लगा रहा है तो सर्टेनली इसका पोजीशन कोई ना कोई डिफाइंड है, तभी न्यूक्लियस इसको अपनी ओर फोर्स लगाकर खींच रहा है, और तभी इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी काम कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काम कर रहा है सेंट्रीपिटल को बैलेंस करने के लिए। तो जैसे ही सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इलेक्ट्रॉन पे काम किया, इसका मतलब साइलेंटली यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी मेजर होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का मेजरमेंट अगर हम करेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, के इंटू जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये आर ये डिस्टेंस है ना, एक आर से इसको गुना कर दीजिए, फोर्स इंटू आर इज इक्वल टू के इंटू जेड स्क्वायर बाई आर, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग प्रेजेंट करते हैं, इसको आप लिखेंगे क्या इस तरह से, एफ आर क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी, और के इंटू जेड स्क्वायर बाई आर। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं निगेटिव साइन से, एनर्जी निगेटिव होता है नहीं, मास निगेटिव होता है नहीं, टाइम होता है निगेटिव नहीं, तो यहाँ निगेटिव एनर्जी नहीं है, मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं है, निगेटिव एक साइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है इस बात को कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्टेड टुवार्ड्स द न्यूक्लियस।
यानी ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के तरफ डायरेक्टेड है। इट मीन्स न्यूक्लियस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है, ये स्पष्ट करता है निगेटिव साइन। क्लियर? तो यहाँ देखें पोटेंशियल एनर्जी को प्रेजेंट करते हैं माइनस के इंटू जेड स्क्वायर बाई आर। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन भी अराइज होगा, क्या वो पहले देखें। आप यहाँ देखें बोर्स के फोर्थ पोस्टुलेशन से आप देखे थे कि एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई आर, ये लिखे थे जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ऐसा लिखे थे। अगर हम आर को यहाँ कैंसिल कर दें तो आप लिखेंगे एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी चीज़ को अभी हम थोड़ी देर पहले काइनेटिक एनर्जी के रूप में बता रहे थे, लेकिन उसको अब आप यहाँ देखें स्पष्ट एम बी स्क्वायर बाई वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई स्क्वायर बाई आर। अगर इधर हम हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी करना होगा, तब तो मैग्नीट्यूड पर फर्क नहीं पड़ेगा। और हाफ एम बी स्क्वायर को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो गया वन बाई टू इंटू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई आर, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी ये है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस के इंटू जेड स्क्वायर बाई आर, जहाँ के का वैल्यू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ही है। तो यहाँ लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, हम लोग कैलकुलेट किए माइनस वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई आर। अगर हमसे पूछा गया कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बीच रिलेशन बताओ, क्या रिलेशन है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर अगर हम इस मैग्नीट्यूड को उठा के यहाँ रखते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड हम क्या रखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, हाफ इंटू पोटेंशियल एनर्जी, इस पूरे का वैल्यू है ना पोटेंशियल एनर्जी। माइनस लेना जरूरी नहीं है, माइनस तो यहाँ एक रिप्रेजेंटेशन है, माइनस किसी चीज को सिग्निफाई कर रहा है, पर्टिकुलर थाउट को यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के तरफ अट्रैक्ट है और न्यूक्लियस के द्वारा फोर्स अप्लाई किया गया है इलेक्ट्रॉन पे। क्लियर? अब देखें पोटेंशियल एनर्जी इंटू हाफ बराबर काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, यानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा क्योंकि काइनेटिक पोटेंशियल का हाफ है। यानी आप इसको लिख सकते इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी बराबर टू इंटू काइनेटिक एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी का टू टाइम्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान रखें। अब यही वैल्यू उठाकर आप टोटल एनर्जी में रखते हैं, यानी क्या रखेंगे, तो आप लिखे थे कि nth ऑर्बिट की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो आप लिखे थे कि nth ऑर्बिट की एनर्जी en को आप et भी लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी है ना, या फिर en, प्रैक्टिस में ई एन ही है क्योंकि nth ऑर्बिट की एनर्जी बार बार बोलते हैं, इसीलिए ई टोटल कहें चाहे ई एन कहें, बराबर काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो इसका वैल्यू अभी आप क्या निकालें, वन बाई टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई आर, और ये तो माइनस में है तो यहाँ प्लस और इसका मैग्नीट्यूड माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस मैग्नीट्यूड क्या है, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ पे कॉमन जो है उसको आप ले लें,
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जेड ए स्क्वायर है ना बाई आर कॉमन है, निकाल ले बाहर, बचेगा क्या 1/2 -1 बच जाएगा, तो हाफ में से 1 गया -1/2, यानी nth ऑर्बिट की एनर्जी का मैग्नीट्यूड हो गया 1/2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जेड ए स्क्वायर बाई आर, यानी आप लिखेंगे 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जेड ए स्क्वायर, और आर का वैल्यू आपको बताया गया अभी रेडियस कैलकुलेशन में कि एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई, तो ऊपर चला जाएगा जेड ई स्क्वायर पाई एम है ना। तो अब यहाँ पे फाइनली एनथ ऑर्बिट की एनर्जी का मैग्नीट्यूड हो गया, एनथ ऑर्बिट की एनर्जी का मैग्नीट्यूड हो गया ई एन इज इक्वल टू ई एन, यहाँ माइनस है, माइनस आ रहा है कैलकुलेशन में, आते जा रहा है माइनस वन, यहाँ पे वैल्यू आ गया निगेटिव है जेड स्क्वायर ई फोर है ना, कुछ कट रहा है पाई कट रहा है तो काट दें, जेड स्क्वायर ई फोर और एम अपॉन 8 εo एन स्क्वायर एच स्क्वायर ना 1/8 εo 8 εo एन स्क्वायर एच स्क्वायर और ऊपर जेड स्क्वायर ई फोर एम, क्लियर है। अब इसमें जो कांस्टेंट टर्म है देख रहे होंगे ई फोर एम 8 εo एच स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है, उसके बदले प्रोपोर्शनैलिटी यूज कर सकते हैं, तो ई एन प्रोपोर्शनल टू माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये निगेटिव साइन के बारे में यहाँ पे आप लिख दें कि लीड्स टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ये निगेटिव साइन, नेगेटिव साइन लेड्स टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ये डायरेक्शन को प्रेजेंट करता है, क्लियर है। अब देखें यहां पे ये जो नेगेटिव है, अगर ये वेरिएबल फैक्टर है तब तो दोनों के साथ है ना निगेटिव, हमको मैथमेटिकली अगर देखना हो तो निगेटिव दोनों के साथ है, हम इसको अलग अलग किसी एक के साथ निगेटिव और किसी एक के साथ पॉजिटिव करके लिख सकते हैं, लेकिन हमको पेरियोडिक फंक्शन जानना है तो इसको अगर हम ऐसा लिख दें एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, उलट कर लिख दे तो निगेटिव खत्म हो जाएगा और हमको पेरियोडिक फंक्शन को जानना आसान होगा। तो यहाँ देखिए पेरियोडिक फंक्शन क्या कहते हैं, अगर लेफ्ट टू राइट चले पीरियड में तो क्या पता एन फिक्स हो जाएगा, पीरियड फिक्स हो गया तो जेड के इन्वर्सली प्रोपोर्शन, मीनिंग क्या होगा कि एटॉमिक नंबर अगर बढ़ता है, पीरियड में बढ़ेगा लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर अगर बढ़ता है तो फिर एनर्जी का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन पार्टिकल का जो एनर्जी होगा ऑर्बिट पे वो घटते चला जाएगा, और लोअर एनर्जी हायर स्टेबिलिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ पैक्ड होते चला जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ऑर्बिट से आसान नहीं होगा, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, यानी बहुत सारे पेरियोडिक प्रॉपर्टीज को प्रभावित करेगा, ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है एनर्जी का यहाँ, कि अगर एटॉमिक नंबर बढ़ता है पीरियड में लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो एटॉमिक नंबर के बढ़ने से एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो घटेगा,
और हम जानते हैं कि लोअर एनर्जी हायर स्टेबिलिटी, तो कौन स्टेबल हुआ? इलेक्ट्रॉन कहाँ? ऑर्बिट पर, किसके तरफ? न्यूक्लियस के तरफ। तो न्यूक्लियस का जो पकड़ है इलेक्ट्रॉन पे, वो बढ़ गया कि घट गया? तो बढ़ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तभी स्टेबल है जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के तरफ डायरेक्टेड है, टाइटली पैक्ड है, यानी न्यूक्लियस की जो पकड़ है वो इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा है। तो मतलब यहाँ पे ई एन प्रोपोर्शनल टू वन बाई जेड स्क्वायर। अब देखें टॉप टू बॉटम, यहाँ एनथ ऑर्बिट की एनर्जी ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, ये देखिए ऊपर से नीचे आने पे एटॉमिक नंबर को फिक्स कर देना है। क्या बताया? एक इलेक्ट्रॉन यानी हाइड्रोजन एटम के लिए डिफाइंड है बोर्स मॉडल, आप बोर्स मॉडल को देख रहे हैं, तो जेड वन हो गया। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड हो जाएगा कि एनथ ऑर्बिट की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। मतलब अगर ऑर्बिट बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस की जो पकड़ है इलेक्ट्रॉन पे वो कम होगी, ढीली होती चली जाएगी। इसलिए न्यूक्लियस से जितना दूर होगा इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ही अधिक होगी, और इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव करना उतना ही आसान होगा। उस इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी जो ऑर्बिट पे होगी उतना ही पुअर होगी, और बहुत ही पुअर एनर्जी रिसीव करके इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव हो जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के तरफ टाइटली पैक्ड नहीं होगा, इसलिए साइज बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी घट जाती है, और कंसेप्ट हायर एनर्जी लोअर स्टेबिलिटी। तो इस बात को भी यहाँ ध्यान रखेंगे कि लोअर एनर्जी हायर स्टेबिलिटी और हायर एनर्जी लोअर स्टेबिलिटी, ये कंसेप्ट लोअर एनर्जी हायर हायर स्टेबिलिटी है ना, और हायर एनर्जी ये कॉन्सेप्ट है। अगर एनर्जी बढ़ जाए तो समझ लीजिए स्टेबिलिटी कम हो रही है, और एनर्जी जितना कम हो इसका मतलब समझिए स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा है, हायर एनर्जी और लोअर स्टेबिलिटी, लोअर स्टेबिलिटी। तो ध्यान रखेंगे लोअर एनर्जी हायर स्टेबिलिटी और हायर एनर्जी लोअर स्टेबिलिटी, क्लियर है? ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। अब देखिए कि यहाँ जो एक टर्म आया है कांस्टेंट टर्म, प्रोपोर्शनैलिटी टर्म, इस फॉर्मूला में ये जो फॉर्मूला आप लिखे हैं, यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी यूज़ किए हैं, तो इसको हटा दें और इसके बदले कांस्टेंट वैल्यू, कैलकुलेटेड कांस्टेंट वैल्यू यूज़ करें। तो ई एन इज इक्वल टू माइनस 13.6, क्या आएगा कांस्टेंट वैल्यू 13.6, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ध्यान रखें इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, यानी ये जो हम लोग एनर्जी काउंट कर रहे हैं ऑर्बिट में, किसके ऑर्बिट में? एटम के ऑर्बिट में। कितना ऑर्बिट होता है? 7 ऑर्बिट, अलग अलग ऑर्बिट में हम लोग एनर्जी काउंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का एटम के ऑर्बिट में, इसलिए पर एटम, और निगेटिव यहाँ है साइन। ध्यान रखें ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ जो आपको एक बड़े कैलकुलेशन के तरफ ले जा रहा है, बड़े कॉन्सेप्ट के तरफ ले जा रहा है ये फॉर्मूला आपको। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, ये एनर्जी है, चार्ज गुना वोल्ट को एनर्जी कहते हैं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, याद रखें। अगर हमको न्यूमेरिकली पर एटम जहाँ है उसको पर मोल में चेंज करना है तो क्या करना होगा? एक एटम को कितने मोल के बराबर कह सकते हैं? तो यहाँ ध्यान रखें, या फिर अगले क्लास में हम लोग देखते हैं, अगले वीडियो में देखते हैं, इसके आगे का कैलकुलेशन अगले क्लास में देखते हैं, बहुत ही डिटेल
कॉन्सेप्ट देगा आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।